हाय गाइस, दिस साइड शिव पुरुषा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और मैं भी बेस्ट हूँ। आज का जो वीडियो है वो है मार्केट करेक्शन, कि मार्केट करेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है एंड उसमें अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले, नीचे मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसमें आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है। चलिए, सो आज देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज मार्केट करेक्शन। हम बोलते हैं ना मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट नीचे जाता है एंड करेक्शन, इन दोनों में फर्क है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट करेक्शन। कि जब इस मार्केट करेक्शन मतलब क्या है, कि जो इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस है, लेट्स से कोई स्टॉक 500 रुपये था, उससे 10% से नीचे जाता है, तो 500 रुपये का 10% 50 रुपया, 450 से अगर नीचे जाता है तो उस फेज को बोलते हैं मार्केट करेक्शन। मैंने यहाँ पे दिया, पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट करेक्शन इज 10% डिक्लाइन द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। हाँ, कौन सा प्राइस लेना है? 500 कौन सा था सर? लास्ट एक साल में जो हाईएस्ट प्राइस था उसका, उसमें अगर 10% से नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं करेक्शन। तो आपने ऐसा काफी बार ऑब्जर्व किया रहेगा कि अरे एक साल पहले स्टॉक 850 रुपये था, आज 600 हो गया, मतलब लगभग 250 रुपये एक साल में कम हो गया। तो ये मार्केट करेक्शन ही है, करेक्ट ना? तो ना हो, अभी मार्केट करेक्शन जो है ये फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स है, मतलब स्टॉक खरीदना चाहिए अगर नहीं है तो, एंड है तो बेचना चाहिए का, ये अपन आगे जाके देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है? सो एक्चुअली इस समय देखो, अभी जब भी मार्केट नीचे आता है ना, एक्चुअली मार्केट का करेक्शन हो रहा है, मतलब क्या करेक्शन का मतलब क्या, वो प्राइस करेक्ट हो रहा है एंड वहां से उड़ा है करेक्शन। तो एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये शेयर्स खरीदने का, बट आपको अगेन रीजन जानने पड़ेंगे। कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपने शेयर्स लेना चाहिए, वही लोग रीजन देखो क्या है। हर एक चीज का रीजन आपको देखना क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, मैंने अभी दिया उनका एग्जाम्पल, कार का वैल्यू 8 लाख रुपया है, उनको लगता है कि अपने कार का सेल बढ़ नहीं रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्राइस 8 का 6 लाख कर दिया तो सेल बढ़ेगा, तो उन्होंने 6 लाख रुपया कर दिया, करेक्ट ना? ये कार अभी भी पॉपुलर, लेकिन अभी क्वेश्चन है कि 6 लाख होने का अगर नहीं बढ़ा तो मतलब वो प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि जब भी 6 लाख प्राइस कम होता है हर बार वो अपॉर्चुनिटी, आपको रीजन देखने पड़ेंगे, है ना? क्या है यहाँ पे, कंपनी ने प्राइस कम किया उससे थोड़ा बहुत परचेस बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? जिसको कार 8 लाख का आपको 6 लाख में मिलता है, बोलेंगे मेरा 2 लाख का फायदा हो रहा है तो मैं कार खरीद लेता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर आपका जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया, ओरिजिनल मतलब आफ्टर करेक्शन 2 लाख रुपया कंपनी ने कम किया है। तो वैसे ही जब भी कोई भी शेयर्स में करेक्शन आता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी एज ए इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू रीजन क्या है। पता, शेयर का प्राइस 10% से कम गया है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में नहीं लेना चाहिए। तो वन थिंग इज श्योर, जब भी मार्केट करेक्शन होता है वो अपॉर्चुनिटी होता है, बट रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस रीजन से वो कम हुआ है, एंड देन इट इज सेंसिबल डिसीजन टू बाय। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करेक्शन में लेना चाहिए, बट कौन सा स्टॉक अपने एनालिसिस करके लेना चाहिए। रीजन देखना है कि स्टॉक क्यों 10% से नीचे गया है। हाँ, निफ्टी सेंसेक्स दोनों नीचे है तो फिर ओवरऑल ही मार्केट डाउन है, सो दैट इज नॉट अ बैड साइन, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। यस, लेकिन रीजन आइडेंटिफाई करो। अब देखो एक और एक एग्जांपल दिया है, कंपनी एक नया कार मार्केट में लॉन्च किया एंड जिसका मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है, तो कंपनी ने 12 लाख में गाड़ी लॉन्च किया है। अभी फिर क्या होता है कि जैसे आपको होंडा गाड़ी पसंद है, तो जैसे उन्होंने नया गाड़ी लॉन्च किया आप इमीडिएटली खरीद भी लोगे, क्योंकि यू लव होंडा। एंड बाद में कंपनी को पता चला कि इस गाड़ी का सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो कंपनी प्राइस करके क्या कर देगी, 10 लाख रुपए कर देगी, क्या कर देगी, 10 लाख। तो यहाँ पे लेसन क्या लर्न किया है, कि वहां पे 8 लाख का स्टॉक 6 लाख हुआ था तो लेना बेटर डिसीजन था, ये नया गाड़ी था 12 लाख था एंड बाद में कंपनी ने 10 लाख कर दिया, तो ये भी हो सकता है। मतलब अगर आपने हायर प्राइस भी लिया तो भी वो मार्केट करेक्शन हो सकता है। तो मार्केट करेक्शन दोनों रीजन से होता है, एक कुछ कंपनी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कुछ अलग प्रॉब्लम है उससे भी कम होता है, या फिर प्राइस पहले ज्यादा था
जो कंपनी ने भी करेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे दो आपको एग्जांपल दिए कि कार कंपनी अगर है तो शेयर का प्राइस कम क्यों हो सकते हैं, सेल नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है, या गाड़ी बहुत ज़्यादा रेट पे लॉन्च की है तो उसको करेक्ट सेल कम हो रहा है ना, तो ये दोनों रीजन से हो सकता है। तो आपको इन सिंपल वर्ड्स आपको उस स्टॉक का नेटवर्थ पता होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होने वाला है कि प्राइस बहुत फास्ट ऊपर जाएगा, बहुत फास्ट नीचे आएगा। सो आप रीजन आइडेंटिफाई करो कि किस रीजन से मार्केट नीचे गया है। तो अगेन आई एम सेइंग कि करेक्शन जब होता है इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू बाय, प्रोवाइडेड यू मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन। रीजन अगर जेन्यून नहीं है तो ऐसे स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल सेंसेक्स डाउन है तो फिर अच्छे शेयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कवर अप हो जाते हैं। जैसे आदरणीय ग्रुप का बीच में देखो बहुत था इंडरब्रुक, वो कितना शेयर 30-40 का शेयर उससे ज्यादा नीचे गए थे, पर 1-2 महीने वापस वो शेयर्स कवर हो गए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आदरणीय ग्रुप का सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, अभी भी मार्केट में रूमर से पीपल आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, बट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो गाइज आई होप इस वीडियो में मैंने जो बताया कि करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होता है और अपॉर्चुनिटी कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया। दोनों एग्जाम्पल दिए कि प्राइस कम होने के दो एग्जाम्पल दिए, सेल नहीं हो रहा है या पहले बहुत हाई रेट पे सेल हो रहा था, तो करेक्शन दोनों जन से हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।